मेरा नाम शनाय द्विवेदी है, मैं 5 साल की हूँ। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना की खिचड़ी पराठा। तो देखते हैं कैसे बनता है। पहले हम डालेंगे साबूदाना, पूरा डाल देंगे हम। तुम्हारे पास साबूदाना हो तो ही की बनाई हुई साबूदाना खिचड़ी है। अब हम डालेंगे पनीर, वो डालने के बाद हम रख देंगे। फिर हम लेंगे चने का लोट, चने का लोट लेने के बाद हम लेंगे पटेटो, उसको हम दबा देंगे। पटेटो ले लेने के बाद हम लेंगे, अब हम गेहूं का लोट लेंगे, फिर हम लेंगे छोके का लोट, फिर हम लेंगे सूजी, फिर हम लेंगे हल्दी, फिर हम लेंगे कोकोनट, फिर हम लेंगे रेड चिली, रेड चिली लेने के बाद हम लेंगे थोड़ा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, थोड़ा चम्मच में सॉल्ट लेंगे, पिंक सॉल्ट सॉल्ट ही लेना। फिर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, फिर हम अब हाथ से हिलाएंगे हम। अब हम आटा बनाएंगे, एक साइड से हम पकड़ेंगे। बहुत ही अच्छा बनेगा हमारा। हम इसके लड्डू लेगी कि क्योंकि हम इसका पराठा बना सके। बड़ा लेना, तो बहुत छोटा नहीं। अब हम प्लास्टिक लगेगी, प्लेट लेगी, उसके ऊपर हम पराठा लगेगी। क्यों मैंने प्लास्टिक लिया है, क्योंकि हमारे प्लेट गंदी ना था। मैं धीमे फिंगर से थोड़ा स्प्रेड करेंगे हम, क्योंकि बहुत ही थोड़ा बड़ा हो जाए। सब लोग छोटे 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 नहीं खाते, क्योंकि हम सब बड़े होते हैं। तो मैं दो फिंगर से प्रेस करना है, तो भी तुम दो फिंगर से प्रेस कर सकते हो। तो ये हमारा पराठा रेडी है, अब हम उसको सेकने जाएंगे। तो चलो जाते हैं। ये हमारा पराठा हो रहा है, सेकने दो, नहीं तो हम अच्छे से नहीं सेकने देंगे तो ये पराठा कच्चा हो जाएगा, वापस हमें बनाना पड़ेगा। इसको हमें थोड़ा क्रिस्पी बनाना है, क्योंकि उसका स्वाद अच्छा आ जाए। जो भी छोटे बच्चे मम्मी के साथ ही रहना, गैस के साथ। जो भी बच्चों मेरा वीडियो देख रहे हो, वो गैस के ऊपर नहीं जाओगे, मम्मी के बिना अलाउड नहीं है जाने का। अब ये देखो, एक साइड कैसा अच्छा पक गया है, दूसरी साइड कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं है गाइस।
हमारा पराठा रेडी है। अब हम सॉस के साथ थोड़ा चखेंगे, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। स्टे होम, बी से बाय।